नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के एमपी के कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है और एमपी पहुंचकर दो दिन के लिए यात्रा रोकी जा सकती है और यात्रा को रोक करके गुजरात चुनाव में प्रचार करने राहुल गांधी जा सकते हैं। 20 की बजाय 23 नवंबर को एमपी में ये यात्रा शुरू हो सकती है। 21 और 22 नवंबर को राहुल गांधी गुजरात जा सकते हैं। गुजरात में जैसा कि विधानसभा चुनाव है और इसमें कैंपेनिंग करने के लिए राहुल गांधी पहुंच सकते हैं और इसी को लेकर के यात्रा में थोड़ा सा जो तय कार्यक्रम है उसमें बदलाव होने की संभावनाएं फिलहाल जताई जा रही हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में पहुंचने को लेकर जो तय कार्यक्रम था उसमें बदलाव की संभावना, यात्रा को रोक करके गुजरात चुनाव में राहुल गांधी प्रचार करने के लिए जाएंगे। अभी लगभग जो संभावित रूट है, मैं संभावित रूट के बारे में आपको बता सकता हूं कि 26 तारीख को राहुल जी शाम को महू पहुंचेंगे, 27 तारीख को सुबह अंबेडकर जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पैदल यात्रा यहां से शुरू होगी। तो भारत जोड़ो यात्रा के एमपी के कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है। मध्य प्रदेश पहुंचकर दो दिन के लिए ये यात्रा रोकी जा सकती है और यात्रा रोककर गुजरात चुनाव में प्रचार करने के लिए राहुल गांधी जाएंगे। 20 की बजाय 23 नवंबर को एमपी में इस यात्रा की शुरुआत हो सकती है और 21 और 22 नवंबर को गुजरात राहुल गांधी जा सकते हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव में कैंपेनिंग करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए आप वो जा सकते हैं। और बकायदा क्योंकि इससे पहले हिमाचल चुनाव को लेकर क्योंकि वोटिंग हुई लेकिन वहां पर वो ज्यादा सक्रिय नहीं नजर आए क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसे में गुजरात का चुनाव आप कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए कोशिश राहुल गांधी की यही है कि इस चुनाव में कम से कम वो जरूर पहुंच सके। भारत जोड़ो यात्रा को कुछ समय के लिए विराम दिया जा सकता है, दो दिन जब इस यात्रा में विराम दिया जाएगा तो उस दौरान वो गुजरात में पहुंचेंगे। जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में जब शुरुआत होगी तो दो दिन का विराम देकर के राहुल गांधी गुजरात जाने की संभावना है, कार्यक्रम अभी फिलहाल कुछ नजर आ रहा है, साफ हो रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के अपने गुजरात दौरे को लेकर जो एक कार्यक्रम है वो नया निकल कर आ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में जैसी भारत जोड़ो यात्रा निकल कर आएगी उसके तुरंत बाद राहुल गांधी का जो दौरा है वो गुजरात के लिए आ रहा है क्योंकि गुजरात में चुनाव है और ऐसे में गुजरात जाना राहुल गांधी का यहाँ पर मुख्य माना जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि जो यात्रा 20 तारीख से मध्य प्रदेश में शुरू होने वाली थी अब वो यात्रा 20 की बजाय आगे बढ़ाई जाएगी और वो यात्रा 20 की जगह न होते हुए 23 तारीख को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। तो देखिए गुजरात दौरा है, देखना ये होगा कि आने वाले समय जो राहुल गांधी का नया जो रूट है प्लान वो क्या निकल रहा था, लेकिन वर्तमान में कहने का जो रूट प्लान है वो भी ये बताया जा रहा है कि उनका जो कैंसिल रहेगा और आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचने को लेकर जो तय कार्यक्रम था उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। 20 की बजाय अब 23 तारीख से इस यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश में होगी। वही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इंदौर में तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है, कांग्रेस नेताओं के दौरे भी लगातार चल रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक इंदौर में राहुल गांधी की यात्रा के विश्राम और रूट को लेकर निर्णय नहीं हो पाया है। दिग्विजय सिंह भी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आज शाम इंदौर पहुंच रहे हैं और इसी महीने के आखिर सप्ताह में राहुल गांधी की यात्रा जिसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है और साथ ही आपको बताएं कि इस यात्रा में बदलाव के बाद से क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो तय रूट है उसमें भी कुछ हद तक परिवर्तन या कह लीजिए कि उसके वैकल्पिक रास्ते भी तैयार किए गए हैं। दरअसल खालसा कॉलेज के ग्राउंड के बजाय अब नेताओं ने यात्रा को रुकवाने के लिए 3 अन्य स्थानों को विकल्प के तौर पर रखा है। नेता खालसा के सामने मौजूद वैष्णव स्कूल ग्राउंड, चिमनबाग ग्राउंड और दशहरा मैदान को भी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर लेकर चल रहे हैं। दिल्ली में भी इस पर मंथन चल रहा है। अभी लगभग जो संभावित रूट है, मैं संभावित रूट के बारे में आपको बता सकता हूं कि 26 तारीख को राहुल जी शाम को महू पहुंचेंगे, 27 तारीख को सुबह अंबेडकर जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पैदल यात्रा यहां से शुरू होगी। जो राव के आगे एयू सिनेमा है वहां पर रुकेगी, वहां पर उनका भोजन का समय रहेगा सुबह 11 बजे, वहां से फिर शाम को 4 बजे निकलकर चौतराम होते हुए कलेक्टर चौराहे, कलेक्टर चौराहे से राजवाड़ा पर नुक्कड़ सभा होने के बाद समापन होगा। और इंदौर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया से चर्चा की, जहां पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी